वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। भाइयों बहनों, सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमने पुलिस की भर्ती करवाई, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई और इसमें 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। आज आप देखते होंगे कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला आरक्षी मौजूद हैं, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जो किसान अपने घर में निराश्रित गौ वंश को रखकर के उसका पालन पोषण करेगा, हर गौ वंश पर 900 रुपए हर महीने सरकार उसको देने का कार्य कर रही है। जो कुपोषित परिवार अपने घर में एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से लेकर के अपने घर में पालन पोषण के लिए लेके जाएगा, उस परिवार को भी हम लोग 900 रुपए हर महीने गौवंश की सेवा के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले गौ तस्करी होती थी, अवैध बूचड़खाने चलते थे, आज गौ तस्करी नहीं, आज तो भाइयों बहनों गौ सेवा का कार्य करके
भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गोहत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। ये बदला हुआ प्रदेश आज इसीलिए विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ा है। पहले नौकरी निकलती थी, पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद न दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी कोर्ट उसको स्टे करता था। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है, 4.5 लाख नौजवानों को। और किसी भी नौकरी के नाम पर कोई ये नहीं कह सकता, किस नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि प्रदेश का हर नौजवान जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था दी गई है संविधान की, इस व्यवस्था का पालन करते हुए अगर प्रदेश के अंदर अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है, ये प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम प्रदेश के विकास में लेंगे। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी हम नौकरी के रास्ते निकाल रहे हैं। कुछ सरकारी सेवा में आएंगे, कुछ निजी सेवा में आएंगे, कुछ लोग रोजगार में आएंगे, कुछ स्वतः रोजगार में आएंगे, लेकिन इन सबको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन 4.5 लाख नियुक्ति प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं। निजी निवेश के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर निवेश की उन संभावनाओं को बढ़ा करके रोजगार को आगे बढ़ाया है। 1.61 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध हुआ या नौकरी निजी क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, 60 लाख से अधिक लोगों को एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य को भी सफलतापूर्वक विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आप वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी ने हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन उस सब के बावजूद जीवन भी और जीविका भी कैसे बचनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के अनुपालन करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में बेहतर प्रबंधन, यहां के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही थी या फिर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता की सेवा में थे। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय
आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे और ट्विटर पे ही इनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के द्वारा जो भी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया, 43,00,000 गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, 1,45,00,000 लोगों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मतलब इतने परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आज तो स्वयं आपके जनपद में विद्युत का एक सब स्टेशन लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत का सब स्टेशन का भी लोकार्पण हो रहा है, जो विद्युत की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने में जनपद बदायूं में योगदान देगा। लेकिन इससे पहले लाखों गांव में 1,23,000 से अधिक गांव में बिजली के खंभे लगा करके विद्युतीकरण के कार्यों को संपन्न करके फिर 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों ये निःशुल्क खाद्यान्न की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। आयुष्मान भारत की 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। किसानों की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए, 2017 के पहले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। कोई उपज किसानों से सीधे नहीं खरीदी जाती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं, कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें। लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए, केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके
शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा अयोध्या हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है, तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी, प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था, उनका स्वयं का एजेंडा था, मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को आप सबने बदलते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं सहसवान विधानसभा क्षेत्र में बदायूं जनपद से जुड़ी हुई इन योजनाओं को लेकर के इसलिए आया हूं। कभी ये बदायूं जनपद बेदामों के रूप में जाना जाता था, वेदों के अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कहते हैं महाराज भगीरथ ने भी यहां तपस्या की थी, और महाराज भगीरथ जिनके प्रयास से मां गंगा इस धरती पर आई और हजारों वर्षों से न जाने कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार करते हुए दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमें प्रदान करती है। दुनिया के अंदर गंगा और यमुना के इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी उपजाऊ भूमि है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार की उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, इस संभावना को आजादी के बाद की सरकारों ने टटोलने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान अकेले पूरे देश और पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है। इतनी मेहनत और इतना पुरुषार्थी है, लेकिन उस किसान को पिछली सरकारों ने शोषण किया था, क्रय केंद्र नहीं खोले जाते थे, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कोई किसान अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता था, अगले दिन कोई गुंडा और कोई पेशेवर माफिया उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता था, खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया था किसान के लिए। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम किया किसानों के लिए, सबसे पहला काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की। 2018 में लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए MSP उन्होंने जारी की। और भाइयों बहनों, 2019 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया, जो आज देश के 12 करोड़ किसान जिसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में कैसे सेवा होनी चाहिए, आपने वो मिसाल देखी होगी, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, यह भी
देश को उपलब्ध करवाया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पर? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है। आज उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। आज के दिन पर पूरा दे चुका होगा 13.5 करोड़ लोगों को। और मेरी आपसे अपील है, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन से भी वंचित है, जिसने पहला डोज नहीं लगाया है, अविलंब अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के पहला डोज लगवा ले। जिसने पहला डोज ले लिया है, 4 सप्ताह हो गए हैं, दूसरा डोज नहीं लिया है, वह जाकर के दूसरा डोज भी जरूर ले ले। यह कोरोना का सुरक्षा कवच है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है भाइयों बहनों, तब तक सतर्कता आवश्यक होगी। और याद रखना, फ्री में राशन भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। लेकिन जब 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक, होली से लेकर के दीपावली तक फ्री में राशन देने का कार्य अन्नदाता किसानों को, अभी मैं देख रहा था लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जब मिल रहा था मंच पर, एक माताजी मंच पर आई और उसे आवास मिला था। मैंने कहा आपको कुछ और भी मिलता है? उसने कहा बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, मुझे इस दौरान फ्री में राशन भी मिला, मेरी चिंता से मैं मुक्त हूं, अब कोई मुझे चिंता नहीं, घर भी मिल गया, राशन भी मिल गया। जब भाइयों बहनों, कोई गरीब इस बात की बात करता है, कोई बुजुर्ग इस प्रकार की बात करता है, सचमुच लगता है कि हम लोगों का सत्ता में आना सार्थक हो गया है। जब वह गरीब इस बात की, इस प्रकार की चर्चा करता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, कभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, हम लोग अभी इस राशन को दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और दीपावली से लेकर होली तक राज्य सरकार देने का कार्य करेगी। इसके तहत अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं या चावल होगा, साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रत्येक यूनिट पर, यानी परिवार में जितने सदस्य होंगे, हर सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न देंगे। खाद्यान्न का मतलब गेहूं और या चावल 5 किलो देंगे। अगर 7 परिवार है परिवार में तो 35 किलो, 9 परिवार होंगे तो 45 किलो उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा खाद्यान्न। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, यह कार्य पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन गरीबों के लिए उनके मन में कोई पीड़ा नहीं थी। पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही हड़प ली थी, पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देते थे। हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में और मार्च 2017 तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। अभी अक्टूबर महीने में 17 से 19 के बीच में अतिवृष्टि के कारण तमाम किसानों की फसल डूबी थी। हमारी सरकार अब तक 5.5 लाख किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज चुकी है और हमने प्रदेश के अंदर हर जिला प्रशासन से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, मैं यहां के अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है
उसका आकलन करके राज्य सरकार के पास भेजो, राज्य सरकार उन सभी किसानों के खाते में धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, मुआवजा देने का कार्य करेगी। कार्य हो तो ऐसा होना चाहिए। अभी एक महीना नहीं हुआ है, लेकिन उन किसानों को मुआवजा मिलना प्रारंभ हो गया है। पहले आपदा आती थी, आपदा में जनधन की हानि होती थी, कोई पूछता नहीं था, घटना दुखद है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आपदा आती है 24 घंटे के अंदर जनहानि पर उस परिवार में प्रशासन या जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक, हमारा सांसद चेक लेके और सहायता लेके पहुंच जाता है। ये सरकार होती है, ये सरकार की संवेदना होती है, और उसी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। लेकिन अगर विधायक होता तो सांसद अपनी पूरी ताकत दिल्ली में लगा करके बड़ी बड़ी योजनाओं को यहां लाने में सफल होता, विधायक उनका सहयोग करते। जैसे अन्य विधायकगण दातागंज है, सेगुपुरा है, विलसी है, रिसोली है, ये सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ऐसे ही अगर सहसमान में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, सांसद और विधायक दोनों मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो कार्य की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। और इसीलिए आप सबसे अपील करूंगा, पहले बदायूं वासियों का आभार कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। मैं पिछली बार सांसद के चुनाव में भी आया था और विधानसभा चुनाव में भी आया था, 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपने जिताए थे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बदायूं जनपद वासियों से, और अपील करूंगा सहसवान के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके इस बार सहसवान के किले को भी भेज दीजिए, विकास में आपको कहीं पीछे नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज ढेर सारी योजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये 1400 करोड़ रुपए की परियोजना बदायूं वासियों के जीवन में न केवल परिवर्तनकारी और खुशहाली लाएगी, बल्कि आपके जीवन को मंगलदायी बनाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।